पेश है कहानी कोदरे दी रोटी। मेरी बिरद अवस्था हो गई है। मैं गुरु ग्रंथ साहब दे सदा लड़ लगा रहा हाँ, किरत करदा, नाम जपदा ते वंड छकदा, नितनेम करन उपरंत अरदास बेनती कीती, सच्चे पातशाह समर्था बख्शी, तेरे दर्शन दीदारे कर सकां। बाहर निकलदा पुत पोते ट्रैक्टर ने शिंगार रहे ने, ट्राली नू दुल्हन बना रहे ने। मैनू देख के पोता आखदा, बापू जी तैयार हो जाओ, अज सुल्तानपुर लोधी चलना है, बाबे नानक दा 550वां दिन मनाउण लई। जींदा रहि पुत्रा। पर मैं जदों भी सुल्तानपुर लोधी जाना हाँ, वाहिगुरु करदा पैदल ही जाना हाँ। 10 किलोमीटर ते तां है, बाबे नानक ने सारे संसार दा गेड़ा पैदल ही तां मारिया सी। मैं ध्यान धर के पैदल ही चला गया। रस्ते च अनगिनत कारां, बसां, ट्रैक्टर ट्रालियां इंज सजाए जा रहे सन जिवें बाबे नानक दे ही बराती जा रहे हों। मेरे सिरड़ ने मैनू सुल्तानपुर लोधी पहुँचा दिता। जदों गुरद्वारे वल नू वध्या, एक तीर इशारा कर रहा सी। असल स्टेज इधर, थोड़ा अगे वध्या होर, उत्थे लिखिया सी असल स्टेज इधर। दोवें तीर मेरे सीने च खुब गए। इत्थे भी इधर ते उधर वालियां दा बोलबाला सी। लखां नाल उह सारे पंडाल मैनू खिच ना पा सकी। मैं मक्खण शाह लुबाणे वांग अपनी धुन पक्की कर ली। सच्ची सरकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे मत्था टेकिया। उच्चा दर बाबे नानक दा प्रसाद लिया ते लंगर वल नू वधिया। लड्डू, जलेबियां, समोसे, कचौरियां, पता नहीं की कुछ वरताया जा रहा सी। मैं पासा वट के कन्नी कतराई ते पिंड नू मुड़ पिया। बाबे नानक दा कल्पिया संसार गायब सी। इन्हां परपंचां तो दूर बैठा बाबा नानक तां कोदरे दी रोटी खा रहा सी।